स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, किस देश की हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती? ए मलेशिया, बी कोरिया, सी भारत, डी चीन। आंसर सी भारत। एक्सप्लेनेशन, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 17 सितंबर 2024 को चीन के हुलुनबिर में पांचवी बार पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। भारतीय टीम के लिए जुगराज सिंह ने 51वें मिनट में गोल किया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया था। अगला प्रश्न, 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया जा रहा है? ए 10 से 14 सितंबर, बी 17 से 20 सितंबर, सी 5 से 8 सितंबर, डी 1 से 4 सितंबर। आंसर डी 17 से 20 सितंबर। एक्सप्लेनेशन, 8वां भारत जल सप्ताह 17 से 20 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय 8वें भारत जल सप्ताह और प्रदर्शनी में भागीदार के रूप में शामिल हो रहा है। इसका विषय समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग है। अगला प्रश्न, क्रिकेटर दुनित वेलालेज को अगस्त 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, वह किस टीम के खिलाड़ी है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी वेस्ट इंडीज, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। आंसर डी श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन, श्रीलंका के खिलाड़ी दुनित वेलालेज और हर्षिता समारा विक्रमा को अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया। एक ही महीने में एक ही देश के खिलाड़ियों द्वारा अवार्ड जीतने का एकमात्र पिछला उदाहरण तब सामने आया था जब इस साल जून में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया था। अगला प्रश्न, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? ए राजकिशोर सिंह, बी रामनाथ कोविंद, सी अनुराग ठाकुर, डी प्रतिभा पाटिल। आंसर बी रामनाथ कोविंद। एक्सप्लेनेशन, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया? ए निर्मला सीतारमण, बी एस जयशंकर, सी राजनाथ सिंह, डी नरेंद्र मोदी। आंसर ए निर्मला सीतारमण। एक्सप्लेनेशन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया, जो बच्चों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए अमल में लाई गई है। NPS वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का एक विस्तारित रूप है। NPS वात्सल्य स्कीम के तहत माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए पेंशन खाते में निवेश करके बचत कर सकेंगे, जिससे लंबी अवधि में उनके लिए बड़ा कॉर्पस तैयार किया जा सके।